आज 16वां दिन है और सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। अब वर्टिकली डाले गए पाइप में 6 मजदूर जाकर मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम देंगे। 6 लोगों की टीम जो मजदूर हैं, ये सभी टनल के अंदर जो पाइप लाइन डाली गई है उसके अंदर घुसकर मैनुअल ड्रिलिंग के काम को पूरा करेंगे। हमारे पास 6 आदमी की टीम है, 6 आदमी की टीम है, ठीक है, जो इसको हेड अप कर रहे हैं। हाँ जी, किन किन औजार का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? गैती फावड़ा का करेंगे, गैती फावड़ा का इस्तेमाल करेंगे, फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हिल्टी का मतलब थोड़ा प्रक्रिया बताइए, जो पाइप है 900 mm की, इसमें कैसे घुसेंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे, मशीन कौन कौन सी होगी और कैसे मलबे को निकालेंगे? मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा, बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। तो सिर्फ आप ही लोग अंदर जाएंगे या सेना के जवान भी मदद करेंगे आपको? नहीं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। आप जाओगे? हाँ जी। कब घुसोगे आप लोग? अभी जब तक वहाँ ये क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। जो तसला है उसमें कितना किलो मलबा एक बार में आएगा? एक तसले में कम से कम 5 से 6 किलो मलबा आएगा। और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो? ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ ब्लोवर जाएगा, ब्लोवर के साथ हवा देने वाला भी जाएगा, जो धूल उठती है उसके बाद एक खींचने वाला भी आएगा। आप भी अंदर जा रहे हो? हाँ जी। ठीक है, तो ये इस तरह की जो मशीनें रखी है, जैसे हथौड़ा हो गया, फावड़ा हो गया, गैंती हो गया, ये सब देसी जुगाड़ वाले औजार को लेकर जाओगे आप लोग? नहीं, जो तो पत्थर के लिए, पत्थर फंस जाएगा छोटा इतना बड़ा, तो उसके लिए जा रहा है, वो तो कस्सी गैंती से कम चलेगा। अच्छा, सवाल ये है कि आप लोगों के अंदर ये चल रहा है कि अंदर में फंसे मजदूर को जल्दी निकालना है? हाँ, निकालना है। कम दिन हम लोगों भी फंस जाएंगे तो वे भी निकालेंगे, ये भी हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। भाई तो बहुत भाई हैं। आप लोग तैयार हो अंदर जाने के? हाँ, पाइप के अंदर जाने को तैयार हो आप? हाँ जी। ठीक है, हम जानना सिंपल ये चाहते हैं, औजार क्या क्या लेकर जा रहे हो आप लोग? तसला, फावड़े जल लेके जाएंगे, देसी जुगाड़ से काम होगा। इन मजदूरों के हौसले बुलंद हैं और इन्हें यकीन है कि जल्द से जल्द मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए काम को अंजाम देकर मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया जाएगा।